पुणे पहुंच हादसे को लेकर जांच जारी है। सोमवार को ही पुलिस ने ससून जनरल हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर और 1 कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। अब खबर है कि गिरफ्तार हुए फॉरेंसिक प्रमुख डॉक्टर अजय तावड़े ने सभी के नाम लेने की बात कह दी है। सबूतों से छेड़छाड़ और ब्लड सैंपल बदलने के आरोपी डॉक्टर तावड़े और डॉक्टर श्रीहरि हलनोरके के खिलाफ जांच तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तावड़े ने ऑपरेशन के दौरान पुलिस को बताया है कि मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैंने चेतावनी दी है कि मैं सभी के नाम लूंगा। खास बात यह है कि तावड़े से मिली जानकारियों के आधार पर पुलिस ने कर्मचारी अतुल घाट कांबले को गिरफ्तार किया था। साथ ही इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनके 2 नेताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन लोगों पर आरोप है कि बिल्डर के बेटे को बचाने के लिए इन लोगों ने पुलिस कार्रवाई में दखल दिया। कहा जा रहा है कि 19 मई की रात को हुए इस हादसे के बाद अजीत पवार ने पुणे के पुलिस कमिश्नर को कॉल किया था और कारोबारी विशाल अग्रवाल के बेटे पर नरमी बरतने को कहा था। इन आरोपों के बाद अजीत पवार ने सफाई दी कि उन्होंने कॉल आरोपी को बचाने के लिए नहीं किया था, बल्कि कहा था कि अमीर शख्स का बेटा है, इसलिए उसके प्रभाव में मत आना। देखिए शिक्षण, उन्होंने ये समिति की गठन की है जिसमें मैं हूँ, डॉक्टर गजानन चौहान और डॉक्टर चौधरी छत्रपति संभाजी नगर से, वो आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। और कल्याणी नगर इंसिडेंट के रिलेटेड ससून हॉस्पिटल में जो घटना घटी है उसकी हमें तफ्तीश करनी है कि वो नियम के अनुसार हुआ है कि नहीं, और वही जो उसका रिपोर्ट है वो हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। मैम कब तक ये रिपोर्ट होगा? अभी तो हम जाके हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमें आज इन्वेस्टिगेट करने कहा गया है, कब तक चलेगा मैं खुद नहीं कह सकती। विशाल अग्रवाल ने साधा था संपर्क। खबर है कि आरोपी नाबालिग के बिल्डर पिता विशाल अग्रवाल ने इस संबंध में डॉक्टर तावड़े से संपर्क किया था। रिपोर्ट के मुताबिक तब हुई पुलिस जांच से खुलासा हुआ था कि एक जनप्रतिनिधि ने डॉक्टर तावड़े को नाबालिग आरोपी की मदद करने के लिए कहा था। 19 मई रविवार की अलसुबह हुई घटना के बाद नाबालिग आरोपी को ससून अस्पताल ही मेडिकल जांच के लिए लाया गया था। जांच के बाद डॉक्टर तावड़े और डॉक्टर हलनोर ने नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया, साथ ही उसे किसी अन्य व्यक्ति के नमूनों के साथ बदल दिया गया। बाद में डीएनए जांच कराई गई तो साफ हुआ कि रक्त के नमूने अलग अलग व्यक्तियों के थे। इसके बाद जांचकर्ताओं को सैंपल के साथ छेड़छाड़ का संदेह हुआ, क्योंकि शुरुआत जांच में नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल में अल्कोहल नहीं पाई गई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की तरफ से भी दोनों डॉक्टर्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर काउंसिल दोनों डॉक्टर को दोषी पाती है तो उनका मेडिकल लाइसेंस 1 दिन से लेकर जीवन भर तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि इन डॉक्टर्स को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय मिला है। इस केस में मैं पहले दिन से पुलिस कमिश्नर पुना इनके संपर्क में था। मैंने पहले दिन से कहा है आरोपी जो भी कितना ही बड़ा हो उसको कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, कानून के दायरे में सब एक समान होते हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करने की सूचना मैंने दी है। जो बच्चों की डेथ हुई है वो भी किसी के तो बच्चे हैं, तो इसके लिए जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उनको कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनका बैकग्राउंड भी चेक किया जाएगा। और मैंने तो पुलिस कमिश्नर को कहा है इसमें डॉक्टर हो या कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा।